हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोबी स्किन के टिप्स। गाइस, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही डिफरेंट होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा जिसको हनी ब्लोंड कलर चाहिए होता है फुल हेयर पे या हाइलाइट्स पे हनी ब्लोंड चाहिए होता है तो वो कलर वो कैसे ला सकते हैं अपने हेयर के ऊपर। ओके गाइस, स्टार्टिंग से बताऊंगा मैं, लास्ट तक मेरी वीडियो फुल देखिएगा और अगर मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। और हाँ गाइस, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं कलर की। यहाँ पे इनोवा 20 वॉल्यूम देन 8.3। गाइस, आप सोच रहे होंगे एक चीज़ मैं क्यों दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। जिनको हनी ब्लोंड कलर चाहिए होता है, हनी गोल्डन चाहिए होता है, वो कौन कौन से कलर यूज़ कर सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम कोई भी कलर करेंगे तो उसको एग्जैक्ट पाने के लिए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको प्री हाईलाइट करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले प्री हाईलाइट जब भी करें तो 8 लेवल तक ले जाएं। और हम यहाँ पे कौन सा चाहिए, हमने जो डिसाइड किया है 8.3, 8 लेवल तक आप प्री हाईलाइट करें, उसके बाद आप डिपॉजिटिंग में 8.3 एंड 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके इसको अप्लाई कर दें शैम्पू स्टेशन पर ले आके 15 to 10 minutes। ओके गाइस, इतना टाइम आप इसको अप्लाई करके और फिर सिंपल वाटर से इसको रिंग्स आउट कर दें जहाँ जहाँ पे भी आपने प्री लाइट कलर किया है। अगर आप फुल हेयर पे करवाना चाहते हो तो फुल हेयर पे आपको प्री लाइट करनी पड़ेगी। वो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं कि बैक कॉमिंग करके करता है कोई, अगर प्रॉपर कराना चाहता है तो फिर प्रॉपर सेक्शन बाय सेक्शन लेके प्री हाईलाइटिंग करवाते हैं, उसके बाद ये डिपॉजिट कर देता है 8.3, जिससे कि हनी गोल्डन कलर काफ़ी अच्छा होता है जो कस्टमर को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ज़्यादातर मैं सजेस्ट उन लोगों को करूँगा जिनका थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन है स्किन का, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 8.3 वो लें एंड बेस्ट कलर है गाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आई होप कि वीडियो आपको समझ आ गई हो।